मेरा नियम के सरला वार्ड के नियम पार्षद संजय ठाकुर जी से। संजय ठाकुर पिछले दो वर्षों से दिल्ली में जब से कोरोना दस्तक दी है तब से वह स्थानीय बेघरों और गरीबों के लिए दोनों टाइम का भोजन वितरण करवा रहे हैं। कल से फिर कर्फ्यू लग रही है दिल्ली में, आइए हम जानते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। देखिए, 26 अप्रैल 2017 को मैं चुनाव जीता। मैं पहले से सामाजिक रहा हूँ, समाज का सेवा करने का सौभाग्य होता है, परमात्मा की कृपा होती है तभी मनुष्य किसी का सेवा कर पाता है। ना जीतने के बाद 2 साल का जो पीरियड है एकदम क्रिटिकल पीरियड है, पूरे मानव समाज के लिए क्रिटिकल पीरियड है। इस कोरोना काल में लोग काफ़ी परेशान हो गए। हम तो 20 मार्च 2020 से इसी ऑफिस के नीचे 500 से लेके 3500 तक भोजन वितरण हमने किया। अभी भी 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन वितरण करता हूँ, ऑफिस पे करता हूँ, लेफ्ट की राजपुर अम्बेडकर नगर कॉलोनी, और मैं करता रहूँगा। हर घर सैनिटाइजर, हर घर भोजन करता रहूँगा। सफाई व्यवस्था सीमित संसाधन के बावजूद भी कूड़ा का ढेर हनुमान धर्म कांटा पे पड़ा रहता था, इग्नो रोड पे, फ्रीडम फाइटर 3 नंबर 4 नंबर गेट पे पता था, इग्नो के पास पड़ा रहता था, इंदिरा इनक्लेव में पड़ा रहता, कूड़ा का ढेर भी हमने हटवाया, और जहाँ तहाँ लाइट जो दिक्कत होती थी लाइट को ठीक कराया। मेरा एक काम है, भोजन वितरण करता रहूँ। मेरे वार्ड में कोई भी व्यक्ति भूखा हो, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति भूखा हो आप हमें बताएंगे हमारे वार्ड में, मैं तुरंत वहाँ भोजन डिलीवरी करूँगा। और साथ साथ हमने हमेशा जो अभी थोड़ी देर पहले अनऑथराइज कॉलोनी की बात की है, अनऑथराइज शब्द होना ही नहीं चाहिए था। मान लीजिए दिल्ली में जब कॉलोनी कटी तो प्रशासन के नॉलेज में कटी, उस समय के जो जनप्रतिनिधि था उनके नॉलेज में कटी। उस समय दिल्ली में देश की राजधानी है, देश आज़ाद होने के बाद यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ प्रधानमंत्री जी का ऑफिस रहा है, तो अनऑथराइज शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अनऑथराइज रहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कॉलोनी को पास करके लोगों को बहुत बड़ा राहत मिला, और जो कॉलोनी बच गया हुआ है उस कॉलोनी को भी हमेशा 69 जो कॉलोनी बचा हुआ है वो हमेशा पास होनी चाहिए। चाहे कहने के लिए सैनिक फॉर्म हो, महेंद्रू इनक्लेव हो, अनंत राम डेयरी हो, 69 और कॉलोनी हो, वहाँ भी लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वो भी ज़्यादा टैक्स सरकार को देते हैं, भले उसका पेनाल्टी कुछ ज़्यादा ही लेके, या कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि सारी कॉलोनी पास होनी चाहिए, लोग अपने को महसूस नहीं करें कोई गहना बेच के, कोई जीवन भर की कमाई करके सब कुछ करके तब उन्होंने प्रॉपर्टी करता है उसका।